लालू यादव बहुत खराब था, कार्यकाल बहुत खराब था, उन्होंने कल कारखाने नहीं लगाए। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, आपने कितने कल कारखाने लगाए बिहार में? युवा फांसी ला के आत्महत्या कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं अभय प्रियदर्शी। यूडीए तीसरे मोर्चे के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हटकर इस बार कुछ करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि यूडीए के कई उम्मीदवार पत्रकार हैं और कई उम्मीदवार पिछड़े और शोषित समाज से आते हैं। मुख्य प्रवक्ता संजय वाल्मीकि क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। हमारे बीच संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पौत्र, पूर्व सांसद, देश के नेता माननीय डॉक्टर प्रकाश यशवंत अम्बेडकर साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी, जो पीडीए अलायंस, यशवंत सिन्हा अलायंस, चंद्रशेखर रावत अलायंस और मुस्लिम लीग अलायंस में एक दल में हम लोग बिहार असेंबली में 243 पे कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें तमाम एससी एसटी ओबीसी और समाज के अंतिम मैदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं उनको सिंबल देने का काम माननीय डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किया है। इससे क्या लगता है बिहार में कोई बदलाव आएगी? इसे एक समाज के जो अंतिम पैदान पर जो खड़े हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक पहल किया है। आज तक बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, गठबंधन, अलायंस हो, किसी ने भी जो है कुछ समाज को टिकट देने का काम नहीं किया है। तो उससे एक मैसेज आएगा उस समाज में, एक रोष है, आक्रोश है कि हम लोगों को आज कैंडिडेटचर जो है असेंबली में नहीं दिया जाता है, तो माननीय बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने उसको कैंडिडेटचर बनाया है। अभी आप देखे होंगे कि देश के नामी पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या सवाल में की और एक बड़ा इशू बना, उनकी मिसेज जो है आशा रंजन जी को हम लोगों ने सिवान से नेत्री वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट बनाया। तो हमको लगता है कि एक अच्छा मैसेज पत्रकारिता जगत में और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जाएगा। अब तक कितने लोगों को टिकट दिया गया है? अब तक जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 4 महिला और 2 पुरुष को दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रहे हैं, प्रिंट मीडिया से रहे हैं। और अभी हम लोग जो है सुपौल, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पटना में जो है खासकर जो है दानापुर विधानसभा से रश्मि श्रीवास्तव को कैंडिडेट बनाया गया है, छातापुर से है अररिया से मुस्लिम को कैंडिडेट दिया गया है। आपके इस गठबंधन में कितने सहयोगी लोग हैं? हमारे घटक दल में 9 सहयोगी दल हैं और मुस्लिम लीग अलायंस पीडीए, जो नवानी साहब दिन बचाते सोचा रैली के घटक दल थे, वो भी हैं। हम लोग का मेन इशू है बिहार में जो आउटसोर्सिंग में जो नौकरियां हो रही है, बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और हाईकोर्ट का हवाला देते हुए जो कि आउटसोर्सिंग और जो झुपड़ियां हैं, हाईकोर्ट का ऑर्डर पर डीएम जो है उसको सारे दुकान से लेकर के घर आवास को तोड़ा जा रहा है, तो वो रोड पर आ गए। अभी कोरोना वायरस के लेकर देखे होंगे आपने कि बिहार के अन्य जो राज्यों से, देश से जो है लोग आए, उसको बिहार सरकार की पुलिस ने कितना खदेड़ा, उसको अपमानित किया है और यहाँ कल कारखाना भी आज तक नहीं हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लालू यादव बहुत खराब था, कार्यकाल बहुत खराब था, उन्होंने कल कारखाना नहीं लगाए, लेकिन मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, आपने कितने कल कारखाने लगाए हैं बिहार में, ये बताइए। आप छपरा, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, आरा, भागलपुर का बांका क्षेत्र से जाके देखिए, पूरा बाढ़ से प्रभावित है, एक भी कल कारखाना नहीं लगाए। युवा फांसी ला के आत्महत्या कर रहा है, जितने बैंक थे भारत के सब बैंक जो है निजीकरण बैंकों को हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, सारे पढ़े लिखे युवा जो पटना में बैठ करके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और भी कई वैकेंसियां जो है तैयारी करते थे, उनका डिमांड ड्राफ्ट लेकर के जो है सरकार पैसा सड़क खा गई और वो उसका वैकेंसी हाईकोर्ट द्वारा करवा दे रहा, उसके पैसे सरकार चौन रन चाह रही है। तो मैं खासकर वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अम्बेडकर पार्टी से हम लोग जो जब सत्ता में आएंगे तो ये सब सारे जो इशू है हम लोग उसको सॉल्व करने काम करेंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।